मेरा नाम विजय कुमार, मेरी वाइफ का नाम विनीता देवी। नहीं, क्या समस्या है, आज यहाँ पे आए हैं, क्या है, क्या हुआ? आज जब यहाँ पर आए, लाइन में लगे लगे, जब काफी देर के बाद जब नंबर आया, नंबर आने के बाद पता चला कार्ड भी नहीं बना। कार्ड नहीं बनने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद जब इधर वापस आए तो पता चला कि जो है वैक्सीन नहीं लगेगी, वैक्सीन खत्म हो गई है। यही समस्या पिछले शुक्रवार को हुई थी। पिछले शुक्रवार को भी जब यहाँ पर कार्ड बनवाने के लिए गए तो पहले उन्होंने कहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद उसका नंबर कंप्लीट हो गया। फिर उनको अंदर जब बुलाया गया तो पूछा गया कि फ़ोन नंबर बताओ, तो फ़ोन नंबर जब वो नहीं बता पाई तब तक हम गए, तब तक कहा कार्ड बनेगा ही नहीं, अब देर हो गई है और अब पैसे नहीं लगेगी, जाइए आप वापस चले जाइए। तो आज तो ताला लगा यहाँ पर, क्या ताला लगा हुआ है आज? तो ताला लगा हुआ देखा है हमने। और उस दिन जब आए थे तो अंदर भीड़ थी, हमारे आगे चार छह लोगों को लगा, लेकिन जब तक हमारा नंबर आया तब तक हमारा तीन चार दिन से हम लौट रहे हैं यहाँ बराबर कंटे। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमें हमको तो लग रहा था कि हमको फोटो ऑफिस जाना चाहिए और RTI डालना चाहिए और फिर जो भी कार्रवाई हो करना, करवाने के लिए जैसा हो उस तरीके से करना। अब अगर इसी तरीके से लौटते रहेंगे, ये बताइए इतनी दूर से 40-45 किलोमीटर धूप में आने के बाद वहाँ कहीं आसपास नहीं लगता है, जिला अस्पताल में आशा और उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ पर काम हो जाएगा, और वहाँ से अगर तीन चार दिन लौटना पड़े तो ये बहुत दुखद बात है सर। आपका यहाँ पे क्या, किस वजह से आई थी आप? तो क्या बताया वैक्सीन लगवाने? वैक्सीन खत्म हो गई तो कितने दिन से लौट रही हैं आप? तीन चक्कर लौट चुकी हैं। क्या करने आए थे आज यहाँ पे? वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, इसमें ताला ही लगा हुआ है। क्या चौथी बार आए हैं सर, वापस से जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए सफदरगंज। कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो हर बार आते चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। तो किसी अधिकारी से बात की आपने यहाँ पे? कोई डॉक्टर मिला ही नहीं, तो क्या बात करें। परसों आए भी पेड़ थी, कल भी पेड़ थी, आज तो ताला लगा हुआ है। तो वापस जा रहे हैं लोग। सर, जिला अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आज ताला बंद था, तो क्या इसका कुछ सलूशन है? देखिए, पिछले 3 तारीख को मेगा वैक्सीनेशन कैंप के बाद वैक्सीन की जो सप्लाई थी वो थोड़ी सी प्रभावित हुई है। सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई सारी वैक्सीन हमारे यहाँ पूर्ण मात्रा में खपत की जा रही है। जनता में इतना ज़्यादा उत्साह हो गया, उसके कारण भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, उसको नियंत्रित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और उनको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वैक्सीन सबको लगेगा। और दूसरी बात है कि हम सरकार से अतिरिक्त वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, उसके आते ही फिर ये जो कमी है ये पूरी कर दी जाएगी।
और हम ज़िले की सारी जनता से और ये आप मीडिया कर्मियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस चीज़ को सबको बता दें कि सरकार की द्वारा सबको वैक्सीनेशन कराया जाएगा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मेगा वैक्सीनेशन कैंप की सफलता को देखते हुए फिर से निर्देश दिए हैं कि इसको बार बार किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा दिन दिया जा सके। सर, जिला अस्पताल में कोई टारगेट है कि इतने रोज पर डे लगेंगे उसके बाद? नहीं, वैक्सीनेशन का कोई टारगेट नहीं है, उपलब्धता के ऊपर वैक्सीनेशन लगाया जाता है और हमें खुशी है कि हमारे यहाँ जितनी भी वैक्सीन आती है कि पूरी की पूरी शाम तक खपत हो जाती है। जो लौट रहे हैं ये तो अति उत्साह के कारण थोड़ी सी मजबूरी आ गई है कि हमारे पास वैक्सीन की उतनी संख्या नहीं है जितने लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का लौट जाना थोड़ी सी दुखद बात है, लेकिन उन लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा और इसको हम आश्वस्त करते हैं।